वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसमें चैप्टर 7 हम पढ़ रहे थे। पार्ट 1 में हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा और एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा था। आज इस पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, उन सब के बारे में इस लेक्चर में डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया लाइव पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9389516306, इसको सेव कीजिए और इस पर कैपिटल लेटर्स में व्हाट्सएप पे हमें डीपी इंडिया टाइप कर भेज दीजिए। आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट पहुंचते रहेंगे, चाहे वो आपकी अकेडमिक से रिलेटेड है या फिर वो आपके जॉब से रिलेटेड है। साथ के साथ आप हमारी एप्लीकेशन यानी कि प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया को डाउनलोड कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जरा एक छोटी सी झलक डाल लेते हैं हमारे सिलेबस पे जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। पार्ट 2 में बेसिकली हमें एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के बारे में पढ़ना है और जो इससे रिलेटेड एजेंट्स हैं यानी कि जो ड्रग्स हैं वो है प्रोपानेलोल, कैप्टोप्रिल, इसी तरीके से रामिप्रिल, मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड, क्लोनिडिन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रालाजिन हाइड्रोक्लोराइड एंड निफेडिपिन, जो ये ड्रग्स हैं, इनके बारे में हम, इनकी प्रॉपर्टीज, यूजेस, फॉर्मुलेशंस, ब्रांड नेम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स की। उससे पहले एक मैं छोटी सी बात आपको बता दूं कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है बेसिकली उसको हम एक्सप्रेस करते हैं दो टर्म्स में उसको बताते हैं। एक होता है हमारा एट्रियल सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। मींस आपने सुना होगा कि नॉर्मल बीपी जो होता है बेसिकली कितना होता है, नॉर्मल बीपी हमारा 120/80, जो ये 120 है ये होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर, जिसे हम कहते हैं ऊपर का बीपी, यानी कि ऊपर का। नीचे का जो बीपी होता है वो 80 mmHg होता है, मींस ये होता है डायस्टोलिक। अगर मैं बात करूं जो हमारी एक वैल्यूज होती है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी की, जब हम रिपीटेड एग्जामिनेशन करते रहते हैं यानी कि बार बार लगातार हम उसको चेक करते रहते हैं अपने बीपी को, तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है और जो बीपी आता है उस वक्त वो आता है 140/90 mmHg किसी भी एक इंडिविजुअल इंसान का जो कि एक सफर कर रहा होता है हाइपरटेंशन से। जिस इंसान को हाइपरटेंशन होती है मींस कि जिसका बीपी बढ़ जाता है तो उसका जो बीपी आएगा वो मिनिमम 140/90 mmHg आएगा। इट मींस कि ही इज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। बेसिकली जो हमारे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स होते हैं ये उस क्लास के ड्रग्स हैं जिनको हम यूज करते हैं जो हमारी हाइपरटेंशन हो जाती है यानी कि जब बीपी हमारा बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए जो एजेंट्स यूज किए जाते हैं उनको हम एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स कहते हैं। अब बात करते हैं इनकी ड्रग्स की। सबसे पहले ड्रग आती है हमारी प्रोपानेलोल। प्रोपानेलोल जो है बेसिकली एक ये नैप्थलीन डेरिवेटिव है, जो ये ड्रग है प्रोपानेलोल ये नैप्थलीन का डेरिवेटिव है। इसका स्ट्रक्चर आप सामने देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होता है। प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टीज कहती है कि ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है सफेद रंग का, साथ ही साथ पानी में ये सॉल्युबल होता है इजीली। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 163 से 166 डिग्री सेल्सियस यानी कि 163-166 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की कि प्रोपानेलोल को यूज कहां किया जाता है, तो हाइपरटेंशन यानी कि जब बीपी बढ़ जाता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, कार्डियक अरिथमिया में इसको यूज किया जाता है, मायोकार्डियल इंफेक्शन कंडीशन में भी इसको ड्रग को यूज किया जाता है। फॉर्मुलेशंस की बात करें तो प्रोपानेलोल की टैबलेट्स भी आती हैं और इंजेक्शंस भी आते हैं। साथ ही साथ अब ब्रांड नेम्स की भी बात कर लेते हैं तो हेमेंजियोल नाम से भी ये ड्रग मार्केट में अवेलेबल है, साथ ही साथ इंडेरल नाम के से भी ये मार्केट में अवेलेबल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की जो है हमारी कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल जो है बेसिकली ये एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी कि एस इनहिबिटर है। कौन? कैप्टोप्रिल। इसका स्ट्रक्चर सामने आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर। साथ ही साथ अब बात करते हैं इसके यूजेस की, तो जो कैप्टोप्रिल होती है इसको हम अलोन भी यूज करते हैं यानी कि अकेले भी यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी कॉम्बिनेशन में भी कोई अदर मेडिकेशन के साथ इसको यूज कर सकते हैं। किसको? जब किसी में हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या किसी का हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन आती है तो उस टाइम पर हम इस ड्रग को कैप्टोप्रिल को यूज कर सकते हैं। बात करें इसके फॉर्मुलेशन की तो कैप्टोप्रिल की टैबलेट्स आती है मार्केट में। बात करें इसके ब्रांड नेम्स की तो कैपोटेन नाम से मार्केट में अवेलेबल है, एसिटेन टैब नाम से मार्केट में अवेलेबल है, एंजियोप्रिल नाम से मार्केट में आती है और एंजियोप्रिलिडिन टैब
नाम से भी ये मार्केट में अवेलेबल है, तो ये इसके ब्रांड नेम्स है इसके कैप्टोप्रिल के। अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की जो है हमारी रामेप्रिल। रामेप्रिल ड्रग जो है बेसिकली ये भी एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस इनहिबिटर जिसको हम कह देते हैं वो है। यूजेस की अगर हम इसकी बात करें तो इसको भी हम हाइपरटेंशन में यानी कि जब हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है यानी कि बीपी जब बढ़ जाता है बेसिकली उसको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के टाइम पे भी इस ड्रग को हम यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहा होता है किसी भी एक हार्ट अटैक से उसको इंप्रूव करने के लिए भी हम इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। बात करें इसके स्टेबिलिटी स्टोरेज की तो इसको हमें रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना चाहिए और इसे हमें लाइट और जो हमारा मॉइस्चर होता है उससे बचाकर इस ड्रग को रखना चाहिए। ब्रांड नेम्स की बात करें तो ब्रांड नेम्स आते हैं इसके अर्टियर नाम से मार्केट में अवेलेबल है, बैम्प्रिल टी नाम से मार्केट में अवेलेबल है, कार्डियक टैब्स एंड मार्केट में अवेलेबल है, साथ ही साथ कार्डियोप्रिल कैप्सूल के नाम से भी ये मार्केट में आता है। फॉर्मुलेशन की बात करें तो रामेप्रिल के टैबलेट्स भी आती हैं और कैप्सूल्स भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट ड्रग आती है हमारी मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। अब ये मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड क्या कहता है, बेसिकली मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड जो है ये एक हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट है किसका, मिथाइल डोपा का। साथ ही साथ ये मिथाइल डोपा का डेरिवेटिव भी है और जो हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं बेसिकली डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर का काम करते हैं जो कि हमारे एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी शो करती है, यानी कि जो बीपी में जिन ड्रग्स को यूज करते हैं वो वाली एक्टिविटी भी शो करती है जब बीपी बढ़ जाता है, हाई बीपी होता है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो सफेद से पीले रंग का इसका एक क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, या तो व्हाइट होगा या येलोइश व्हाइट होगा। इसी तरीके से पानी में ये सॉल्युबल है, पानी में घुल जाती है और फ्रीली सॉल्युबल है ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बहुत आसानी से ये ड्रग घुल जाती है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 310 डिग्री सेल्सियस यानी कि 310 डिग्री सेल्सियस। बात करें ये पर्पल कलर शो करता है जब इसको हम निनहाइड्रिन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा देते हैं, उसके साथ ऐड कर देते हैं तो पर्पल कलर शो करता है। स्टोरेज की बात करें तो इसे हमें वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स में स्टोर करके रखना होता है। यूजेस की बात करें तो इसको हम हाइपरटेंशन के लिए यूज करते हैं और साथ ही साथ इसको हम टैबलेट की फॉर्म में एडमिनिस्टर करते हैं। फॉर्मुलेशन की बात करें तो इसके इंजेक्शन भी आते हैं, साथ ही साथ इसके टैबलेट्स भी मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम्स की बात करूं तो एल्डोमेट 250 और एल्डोनिल 25 के नाम से मार्केट में ये ड्रग्स अवेलेबल है, कौन, मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की जो है हमारी क्लोनिडिन हाइड्रोक्लोराइड। क्लोनिडिन हाइड्रोक्लोराइड की बात करें तो ये एक इमिडाजोलिन का डेरिवेटिव है। साथ ही साथ अब बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की तो प्रॉपर्टीज कहती हैं कि ये क्रिस्टलाइन पाउडर है जिसको जो टेस्ट है जिसका वो है बिटर यानी कि कड़वा टेस्ट है। साथ ही साथ पानी में फ्रीली सॉल्युबल है, आसानी से घुल जाता है, एल्कोहल में भी आसानी से ये घुल जाता है और इथर जो होता है उसमें इनसॉल्युबल है, इथर में नहीं घुलता। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 313 डिग्री सेल्सियस यानी कि 313 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, पिघलने का पॉइंट होता है। यूजेस की बात करें तो इसको हम एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के तौर पर यूज करते हैं यानी कि जब बीपी बढ़ जाता है उसको ट्रीट करने के लिए। साथ ही साथ फॉर्मुलेशंस की बात करें तो क्लोनिडिन के इंजेक्शंस भी आते हैं और टैबलेट्स भी आती हैं। ब्रांड नेम्स जो है इसके किसके, क्लोनिडिन हाइड्रोक्लोराइड के, वो है कि कैपवे नाम से भी आती है, ऐसे ही नेक्सिक्लोन XR के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है और अर्कामिन नाम से भी ये मार्केट में ड्रग अवेलेबल है। नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं हाइड्रोलाजिन हाइड्रोक्लोराइड की, तो हाइड्रोलाजिन हाइड्रोक्लोराइड जो है बेसिकली एक ये थैलाजिन का डेरिवेटिव है, जो हमारा हाइड्रोलाजिन है वो थैलाजिन का डेरिवेटिव है। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, पानी में ये सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है क्लोरोफॉर्म में यानी कि क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व नहीं हो पाता। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 275 डिग्री सेल्सियस यानी कि 275 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। स्टोरेज की बात करें तो क्लोज कंटेनर्स में इसको स्टोर करके रखना होता है। यूजेस की अगर हम बात करें तो ये एक वैसोडायलेटर के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, कब, जब हाइपरटेंशन हो जाती है उसके ट्रीटमेंट में हम इसको एज अ वैसोडायलेटर यूज करते हैं कि जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। फॉर्मुलेशंस की बात करें तो हाइड्रोलाजिन के इंजेक्शंस आते हैं मार्केट में और ब्रांड नेम्स की बात करें तो एप्रेसोलिफ नाम से ये मार्केट में ड्रग अवेलेबल है यानी कि जो हाइड्रोलाजिन हाइड्रोक्लोराइड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की जो है हमारी निफेडिपिन। निफेडिपिन जो है बेसिकली ये पायरिडीन का डेरिवेटिव है। अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की तो ये भी येलो कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, पीले रंग का, साथ ही साथ इथेनॉल में आसानी से ये ड्रग घुल जाती है और वाटर में ये इनसॉल्युबल है, वाटर में नहीं घुलती।
मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो 171 से 175 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। यूजेस की अगर हम बात करते हैं तो ये कोरोनरी वैसोडायलेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये एक एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट भी है, यानी कि जब बीपी बढ़ जाता है उसको ट्रीट करने के लिए भी इस ड्रग को यूज करते हैं। फॉर्मुलेशंस की बात करें तो ये निफेडिपिन के कैप्सूल्स भी आते हैं और टैबलेट्स भी आती हैं। ब्रांड नेम की बात करते हैं तो ब्रांड नेम इसका डेपिन नाम से मार्केट में अवेलेबल है, निफेडिकल नाम से मार्केट में अवेलेबल है और प्रोकार्डिया नाम से मार्केट में ये ड्रग अवेलेबल है। तो ये था हमारा पूरा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स और उससे रिलेटेड एजेंट्स जो हम यूज करते हैं, जो दवाइयां होती हैं बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव, उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। तो होपफुली आपको इस लेक्चर में सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, आपको समझ आया होगा। इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ।